भारत का पड़ोसी बांग्लादेश बड़े सियासी उथल पुथल से गुजर रहा है। वहां चल रहे सरकार विरोधी आंदोलन में प्रदर्शनकारियों में सबसे अधिक छात्र ही हैं। बांग्लादेश में छात्र सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। वहीं इस दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के सियासी घटनाक्रम पर अब कुंडा विधानसभा से विधायक राजा भैया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर अपनी चिंता जाहिर की है। राजा भैया ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षित घर वापसी की मांग भी केंद्र सरकार से की। उन्होंने कहा कि तख्ता पलट हो गया फिर हिंसा का क्या मतलब है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजा भैया ने बांग्लादेश तख्ता पलट और वहां जारी हिंसा को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, बांग्लादेश की स्थिति से मन बहुत उद्ग्रित है। छात्र आंदोलन के नाम पर आतंकवाद, आगजनी, हत्या, बलात्कार, लूटपाट क्यों? तख्ता पलट तो हो गया, अब हिंसा किस लिए? हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार और बांग्लादेशी सेना अविलंब प्रभावी कदम उठाए, भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करे। और हाँ, विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं। शेख हसीना ने वहाँ न तो शरण मांगी, न ही किसी देश ने शरण दी। ऐसा क्यों? सोचिए का अवश्य। दरअसल शेख हसीना के अपने पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बावजूद वहाँ हिंसा जारी है। उपद्रवी खासकर वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके घरों व मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। लगभग 30 के करीब मंदिरों को तोड़ा गया है। हिंसा में कई हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, साथ ही उनके घरों और दुकानों में लूटपाट और आगजनी भी की गई है। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी भी दी थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद भी वहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ हिंसा और आगजनी का दौर अब अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाने पर उतर आया है। बांग्लादेश की न्यूज वेबसाइट डेली स्टार के मुताबिक 2022 में बांग्लादेश की आबादी 16.5 करोड़ से कुछ ज्यादा थी। इसमें करीब 7.95% हिंदू समुदाय था। वहीं संख्या के हिसाब से हिंदू लगभग 1.31 करोड़ थे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय आबादी के मुताबिक दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश में संकट अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत आ चुकी है। जानकारी है कि वो अगले 48 घंटे में किसी और देश के लिए उड़ान भरेंगी, लेकिन इसमें कई पेच फंसे हुए हैं। बीते दिनों उनके लंदन जाने की संभावना थी, लेकिन वहां से इजाजत नहीं मिली। ऐसे में ये भी संभावना जताई जा रही है कि भारत सरकार शेख हसीना को लंबे समय तक शरण दे सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।